गोलेरा पेंड्रा मरवाही से है, जहां पुरानी पेंशन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि मरवाही विधायक को ये ज्ञापन सौंपा गया। असल में साल 2004 में पेंशन योजना लागू की गई थी, लेकिन पेंशन बहाली को लेकर अभी तक कोई सार्थक पहल नहीं की गई है। इसी के साथ पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने सकारात्मक पहल कर पुरानी पेंशन योजना लागू कर छत्तीसगढ़ के लगभग 4 लाख कर्मचारियों को पारिवारिक सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। ये राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल की तर्ज पे जो पुरानी पेंशन दी जाती थी पहले, जिसे 2004 से बंद कर दिया गया था, उसकी बहाली की जाए। रिटायरमेंट के बाद किसी भी कर्मचारियों को उसका जो उचित लाभ मिलना चाहिए या उसका उसकी सेवा का जो उचित लाभ मिलना चाहिए, उचित परिश्रम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो प्रांतीय आह्वान पर हम लोगों ने हमारे विधायक मरवाही श्री के ध्रुव जी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली योजना को बहाल करने के लिए कांग्रेस की जो घोषणा पत्र में उन्होंने अपना वादा किया था, उस वादे को याद दिलाने के लिए आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है।